Hey guys, this is Vishal and I'm super excited to give you this exclusive top-down approach. Top-down approach क्या होता है, कैसे करना चाहिए, क्या प्रोसेस है, कैसे हमारा बाय और सेल लिस्ट बनता है, कैसे स्टॉक को सिलेक्शन करना चाहिए, कैसे सैटेलाइट व्यू से माइक्रोस्कोपिक व्यू पे आते हैं, और ये अगर आप सीखना चाहते हो डिटेल में तो ये वीडियो को आप डिटेल में देखो। और मैं आपको एक स्पेशल इन्विटेशन देता हूँ, अगर ऐसा ही एक बड़ा मास्टरमाइंड मैं अगले वीक 15 तारीख को करने वाला हूं, अगर आपके पास UTMS टिकट है, अनलॉक द मनी सीक्रेट्स टिकट, जो दो दिन का लाइव इवेंट हो रहा है 23 और 24 दिसंबर को, अगर आपके पास UTMS टिकट है उसके पहले अगर आपने ब्लॉक कर दिया तो आपको मिलेगा एक मेगा मास्टरमाइंड, एक 7-स्टार स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जिससे मैंने सारे ट्रेड्स किए जो REC PFC और वो सारे ट्रेड्स, और तीसरा एक प्रो ट्रेडर्स ब्लूप्रिंट। तो एक्सक्लूसिव वीडियो आपको मिलेगा 15 तारीख तक अगर आपने अपनी UTMS टिकट बुक कर ली है तो, और अगर आपने ऑलरेडी ली है तो डोंट वरी, आई एम गोइंग टू शो यू दैट, गिव दैट वीडियो ऑल्सो। सो अभी देखते हैं ये मास्टरमाइंड कैसा होगा, एंड आई वांट यू टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि ये आपने इसमें से क्या सीखा, व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट अबाउट इट, राइट। ये वीडियो को आप वायरल कर सकते हो क्योंकि ऐसा एनालिसिस करोगे तो आपका ट्रेडिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज दैट्स द मेन प्रॉब्लम कि हम स्टॉक कौन सा खरीदना है वही पता नहीं है। और स्टॉक सिलेक्शन का ये सबसे बेस्ट मेथड है जो मैं 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच। सो एंजॉय द टॉप डाउन अप्रोच राइट नाउ। गाइस, दिस इज विशाल एंड वेलकम टू दिस वीक्स मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है, और ये स्पेशली जा रहा है सारे ट्रेडर मी स्टूडेंट्स को और सिक्स फिगर ट्रेडर कोचिंग प्रोग्राम के लिए, राइट। सो इफ यू आर वॉचिंग दिस, अदरवाइज दिस इज अ बोनस फॉर यू। सो अगर ये मास्टरमाइंड क्या होता है, ये हम 15 साल से कर रहे हैं, 15 साल जब से मैंने मलकान जी शुरू किया है 2008-09 से, तब से लेके आज तक ये मास्टरमाइंड मैं हर हफ्ते करता हूँ या हर 15 दिन में तो गारंटी करता हूँ। अब इसमें होता क्या है, चलिए जो पहली बार देख रहे हैं, जो नए ट्रेडर्स ट्रेडर मी स्टूडेंट्स है या सिक्स फिगर स्टूडेंट्स है उनके लिए फिर से बता दूं, तो इसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। ये सिंपल फॉर्मूला अगर आपने मार्केट में फॉलो किया तो आपका 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ट्रेडिंग करने का, क्योंकि सबसे पहला प्रॉब्लम होता है स्टॉक सिलेक्शन, राइट। स्टॉक सिलेक्शन अगर सही हो गया फिर उसकी एंट्री एग्जिट पे हम वो काम करना है। अब टॉप डाउन अप्रोच क्या है, एक बॉटम अप अप्रोच भी है लेकिन टॉप डाउन अप्रोच है कि हम ऊपर से नीचे आए। अब ऊपर क्या होता है, उसको बोलते हैं सैटेलाइट व्यू, राइट। ये हमने मार्क मिनरविनी से सीखा है। सैटेलाइट व्यू मतलब एकदम बिगर व्यू बोलते हैं ना, मैक्रो व्यू मतलब ग्लोबल मार्केट क्या कर रहे हैं, कमोडिटी मार्केट क्या कर रहे हैं, करेंसी मार्केट क्या कर रहे हैं, ऑयल प्राइस क्या कर रहा है, गोल्ड प्राइस क्या कर रहा है। और उसके बाद आता है हेलीकॉप्टर व्यू। हेलीकॉप्टर व्यू में आता है कि हमारी जो इंडाइसेस है, इंडेक्स निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं। उसके बाद आता है कि हम सेक्टर वाइज एरियल व्यू। एरियल व्यू मतलब सेक्टर वाइज क्या, कौन सा सेक्टर चल रहा है, अभी ऑटो चल रहा है, इंफ्रा चल रहा है, रियल्टी चल रहा है, बट कुछ टाइम पहले और बैंकिंग चल रहा था, उसके पहले फार्मा चल रहा था, उसके पहले मेटल चल रहा था। सो ये एरियल व्यू हो गया। जैसे ही एरियल व्यू क्लियर होता है उसके बाद हम आएंगे माइक्रोस्कोपिक व्यू पे। माइक्रोस्कोपिक व्यू क्या है कि ये सारे सेक्टर जो हमने चुने उसमें से बेस्ट स्टॉक कौन सा है, राइट। वो हो गया स्टॉक और वहां पे हम जाएंगे। सो इट्स लाइक मैं हमेशा द अदर फॉर्मूला व्हाट आई यूज इज मार्केट 40%, सेक्टर 40%, स्टॉक 20%। मार्केट भी बुलिश है, सेक्टर भी बुलिश है, और फिर स्टॉक अगर सही चुन लिया तो हम पूरे पूरे फोर्स के साथ जा रहे हैं, राइट। सो दिस इज सैटेलाइट व्यू मैक्रो, हेलीकॉप्टर व्यू इंडेक्स, एरियल व्यू सेक्टर, और माइक्रोस्कोपिक व्यू स्टॉक। दिस इज टॉप डाउन अप्रोच, और ये हर हफ्ते आपको करना चाहिए, हर फ्राइडे या सैटरडे को, और ताकि आप अगले वीक के लिए अपना बाय लिस्ट और अपना सेल लिस्ट बना सको। अब ये बाय लिस्ट सेल लिस्ट क्या होता है कि जो मैं अगले वीक में मैं उसको बाय करूंगा, या अगले वीक में अगर मार्केट नीचे जाता है तो सेल करूंगा, राइट। सो बाय लिस्ट सेल लिस्ट होता है। और दूसरा एक होता है बुलिश लिस्ट और बेरिश लिस्ट, मतलब कोई स्टॉक बहुत अच्छा है, बुलिश है, बट मैं वो बाय नहीं कर सकता, उसको मेरे को वेट करना पड़ेगा बाय सिग्नल में आने के लिए। तो 4 लिस्ट हो गए। अब ज्यादातर अभी देख रहे हो कि मार्केट पूरा बुलिश का बुलिश ही है, सब ऑल टाइम हाई पे है, तो सेल लिस्ट बहुत रेयरली बनेगा, बट बाय और बुलिश बनेगा। तो चलिए देखते हैं कि आज का टॉप डाउन अप्रोच हम कैसे करते हैं और अगले वीक के लिए हम कैसे प्लानिंग करते हैं। एंड दिस इज यू आर गोइंग टू गेट, अगर आप ट्रेडर मी स्टूडेंट हो तो आपको हर 15 दिन में ये वीडियो मेरे तरफ से मिलेगा। बट मेरा ऐसा सजेशन है कि मैं जब वीडियो भेजूं, क्योंकि आपके कैलेंडर में लग जाता है कि कब मैं भेजने वाला हूं, हर आपको जो हर महीने का कैलेंडर आता है उसमें
हर ऑल्टरनेट मंथ और ऑल्टरनेट वीक में आपको भेजने वाला हूँ सैटरडे को। तो आपको क्या करना है आइडियली कि मेरा वीडियो आए उसके पहले आप खुद कर लो फ्राइडे को और फिर मेरे साथ मैच करो। सर आपको पता चलेगा कि कितना आप सीख रहे हो और कितना वो। द अल्टीमेट एम ऑफ डूइंग ट्रेडर मी प्रोग्राम इज टू लर्न हाउ टू ट्रेड, हाउ टू डू टॉप डाउन अप्रोच एंड नॉट जस्ट गेट सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस। सो दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन प्रोग्राम और अ रिकमेंडेशन वीडियो। दिस इज हाउ टू लुक एट द मार्केट। स्ट्रक्चर को समझना है, प्रोसेस को समझ गए तो काम हो गया। तो चलिए देखते हैं आज के मास्टर माइंड में हमारे पास क्या है। सो वील गो डीप एंड नॉट ब्रॉड, राइट? गो डीप नॉट ब्रॉड। सो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर द अपकमिंग टू डे प्रोग्राम कमिंग अप ऑन इन डिसम्बर 23rd एंड 24th ऑफ डिसम्बर सहारा स्टार मुंबई। 1500 लोग की एक्सपेक्टेशन है और उसमें आप जैसे ट्रेडर एंड मी स्टूडेंट और सिक्स फिगर ट्रेडर स्टूडेंट्स भी आने वाले हैं, तो एक धमाल होगा। और एक जनरल पब्लिक भी है जो जिन्होंने शायद कोई प्रोग्राम नहीं किया, लेकिन वो एक ही रूम में वो मैजिक होगा। और इट विल बी नॉट ओनली अबाउट ट्रेडिंग, इट्स ओनली अबाउट चेंजिंग। अगर आपका एक पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा ना ट्रेडिंग के बारे में, पैसों के बारे में, तो आपका पूरा ट्रेडिंग गेम चेंज हो जाएगा। वही सिस्टम काम करने लगी। जैसे अभी लास्ट एक वीडियो लगाया था मैंने यूट्यूब पे, 7 हैबिट्स, 7 आदतें 7 फिगर ट्रेडर की। मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो अगर नहीं देखा है तो। सो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। नाउ लेट्स गो इनटू द मास्टरमाइंड फॉर टुडे। टॉप डाउन अप्रोच, राइट? कंसिस्टेंसी इज द की। 15 साल से नॉन स्टॉप कंसिस्टेंटली हर हफ्ते ये हम काम कर रहे हैं और आपको भी करना है। इफ यू वॉन्ट टू रियली बिकम अ गुड ट्रेडर, खाली एनालिस्ट नहीं ट्रेडर भी बनना है, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट दिस मास्टरमाइंड ऑन योर स्क्रीन। सो वील स्टार्ट विद द ग्लोबल मार्केट्स, वर्ल्ड मार्केट्स। तो डाउ जोन्स दिख रहा है कि वो ब्रेकआउट के नजदीक जा रहा है, डेली वीकली उसका 60 के ऊपर है। अब ये सारा मार्केट हम क्यों देखते हैं? अगर मुझे मालूम है कि इंडियन मार्केट स्ट्रांग है तो उसमें अड़चने क्या आ सकती है? अड़चने आ सकती है कि ओवरनाइट कुछ ग्लोबल मार्केट खराबी आ गई तो हमारा मार्केट गिरेगा और थोड़ा रिएक्ट करेगा। इनफैक्ट देयर इज वन थिंग व्हिच आई वांट टू टीच यू, इज कॉल्ड, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड डीकपल्ड। डीकपल्ड वर्ल्ड वर्ड क्या होता है कि जब पहले क्या होता था, यूएस मार्केट गिरेगा हमारा मार्केट भी गिरेगा। अभी भी ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारा अभी उनसे कनेक्शन थोड़ा सा अलग हो गया। हम लोग एकदम ग्रोथ स्टेज में है, उन लोग एक कंसोलिडेशन स्टेज में। तो वहां पे अगर जोर से गिरेगा तो हमारा थोड़ा बहुत रिएक्ट करेगा और वापस जंप मार देगा। क्यों? क्योंकि वो डीकपल्ड हो गया, मतलब उससे कनेक्शन नहीं है। और ये डीकपलिंग पीरियड कभी कभी होता है, हर 2-3 साल 4 साल में एक बार आता है, जब हमारे मार्केट को किसी मार्केट से पड़ी नहीं है। ये उल्टा भी हो सकता है, कभी हमारा मार्केट डाउन ट्रेंड में, सब खराब चल रहा है, उधर ऊपर भी जाएगा तो भी हमारा नीचे ही रहेगा, विच इज डीकपलिंग अगेन। बट दिस टाइम इट्स अ गुड पॉजिटिव डीकपलिंग। सो ओवरऑल अगर आप देखो, डाउ जोन्स इज बुलिश, डेली वीकली 60 के ऊपर है और एक रेजिस्टेंस है मंथली पे। नैसडैक ऊपर क्रॉस कर रहा है तीनों RSI 60 के ऊपर, विच इज गुड साइन। S&P इज सेम लाइक डाउ जोन्स। एंड एप्पल स्टॉक तीनों RSI 60 के ऊपर। ये आईफोन 15 हमारी कंट्री में ही सबसे ज्यादा लोग ले रहे हैं, वो भी EMI पे, और उनका स्टॉक, आईफोन खरीदे उससे अच्छा एप्पल का स्टॉक खरीद लेते तो अब तक आईफोन आपका फ्री हो जाता था। ठीक है, वो बात बाद में करेंगे। उस पर मुझे बहुत गुस्सा है क्योंकि मैं वो यूथ को देखता हूँ और वो गलतियां वो करते हैं जो शायद मैंने भी कभी की थी, बट दैट्स द हार्ड वे। यू डोंट वांट टू लर्न ऑल द लेसन हार्ड वे। मतलब हमको हर एक गलती करके सीखने की जरूरत नहीं है, किसी ने की है तो उससे सीखना बहुत जरूरी है। ओके, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। Amazon 2 RSI, खाली वीकली RSI 60 के ऊपर है, बट आई थिंक दिस लुक्स लाइक अ 68% रिट्रेसमेंट, 61%, तो वहां पे थोड़ा रेजिस्ट कर सकता है। Berkshire, नाउ दिस इज वीकली रेंज शिफ्ट हुआ है, देखो यहाँ पे, मतलब वो अभी लोअर टॉप बना रहा है और डेली में लाउड मूव है, तो ये थोड़ा सा हॉल्ट, थोड़ा सा कंसोलिडेशन पीरियड में चला गया। गूगल ठीक ठाक है, बट तीनों ऐसा 60 पे रेजिस्टेंस है। माइक्रोसॉफ्ट, ये एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ऑल टाइम हाई, 2 RSI 60 के ऊपर, डेली थोड़ा सा नीचे, अगर ये GFS पे आता है तो परफेक्ट ट्रेड बन सकता है। एंड सेम विथ मेटा, लुक एट दिस मेटा, GFS पे था फ्राइडे को, एंड लुक एट दैट ग्रीन कैंडल। मतलब ग्रैंड फादर फादर सन इज अ ग्लोबल सिस्टम, खाली इंडिया में नहीं, राइट? सो आप अगर US मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो आपने मेटा फ्राइडे को खरीदा होता, उसके पहले एक लास्ट एंगल्फिंग भी है, उसके पहले एक डोजी भी है स्पिनिंग टॉप जैसा, और कल एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना और शायद मंडे को और कंटिन्यू हो सकता है। सो दिस इज वन स्टॉक विच इज लुकिंग डिसेंट। सो मेटा एंड माइक्रोसॉफ्ट, बोथ एम,
M for Malkanju, M for Microsoft, M for Meta. Both the stocks are bullish in this. Nvidia, look at that. It's almost like a GFS. Weekly, thoda sa dice here, but overall, this is also looking very, very good. Right? Tesla, sideways, avoid. DAX, Germany, Tino RSI 60 ke upar. Matlab, wahan pe bhi momentum hai. Nikkei, ye GFS pe nahi hai. Ye thoda resist kar raha hai. और 40 पे सपोर्ट ले सकता है. वीकली साइडवेज हो गया, देखो ऊपर डबल ट्रिपल टॉप बन गया, तो ये कंसोलिडेशन में. कॉस्पी कंसोलिडेशन. हैंगसैंग, ये तो डाउन ट्रेंड में है, ये तो खराब है. मतलब चाइना का मार्केट, देखो इसको बोलते हैं डीकपल. हम लोग ऑल टाइम हाई पे है और ये लो बना रहे हैं. सो देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन हांगकांग एंड इंडिया एज फार एज मार्केट्स आर कंसर्न. सो कभी कभी हम लोग अरे वो मार्केट गिर रहा है, मैं इधर माल बेच देता हूँ, ऐसा नहीं. अपने को अपना चार्ट देखने का है और अपना मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, कितने टाइम के लिए रिएक्ट करता है. कभी कभी एक सुबह सुबह 15 मिनट के लिए रिएक्ट करके वापस बाउंस कर सकता है. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. चाइना का मार्केट ये भी थोड़ा सा वीकर साइड पे है. राइट, सो हाउ यू सी दैट? यूएस मार्केट्स आर एट द हाई, जर्मनी इज एट द हाई, इंडिया इज ऑल टाइम हाई, चाइना इज नियर द लो और कंसोलिडेशन, हैंगसैंग इज ऑल्सो लो. सो ऑल आर गोइंग डिफरेंट डायरेक्शन. सो हमको अपना मार्केट देख के ट्रेड करना है. कमोडिटीज, कमोडिटीज में गोल्ड ऑल टाइम हाई. Now there are certain times, जैसे बोलते हैं कि कभी ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा. But there are times when everything goes up. तो अभी सारे stocks भी ऊपर जा रहे हैं, real estate का price भी ऊपर जा रहा है, gold भी ऊपर जा रहा है, and we saw that recently silver भी breakout देने की कोशिश कर रहा है, but बार बार वो level जो है 70, 75,000, 78,000 पे आके अटक जाता है. So we'll wait, इसको avoid कर सकते हैं. Copper consolidation. क्रूड नीचे जा रहा है, वो अच्छी साइन है हमारे लिए, क्योंकि क्रूड के भाव से ही हमारा रिएक्ट करता है, तो नीचे है. तो मतलब हमको अगर मार्केट में बुलिश होना है, लोगों को डर लगता है स्टॉक मार्केट में अभी, क्यों? क्योंकि बहुत ऊपर जा रहा है, और ऊपर जा रहा है तो हमको कभी भी गिर सकता है. तो ये सारे कारण मैं आपको दिखा रहा हूं कि यूएस मार्केट, सारे मार्केट स्टेडी है, क्रूड स्टेडी है, गोल्ड बुलिश है, क्रूड नीचे जा रहा है एक्चुअली. तो ये सारे जो हमको डरा सकते थे, हमारे मार्केट को नीचे ला सकते थे, वो बिल्कुल मतलब सैटेलाइट व्यू एकदम क्लियर है इंडिया के लिए, ये बता रहा हूं. अब इंडियन मार्केट पे आते हैं, जहां पे हम व्हाट वाज दैट हेलीकॉप्टर व्यू. निफ्टी मंथली अबाउट 60, वीकली अबाउट 60, डेली अबाउट 60. अब लास्ट दो तीन कैंडल छोटी छोटी डोजी और हैंगिंग मैन जैसे, तो थोड़ा सा रिएक्शन, मतलब वो बोलते ना करेक्शन आ सकता है. राइट, और एक राउंड फिगर के नजदीक चल रहा है. राउंड फिगर भी दिमाग में रखना कि राउंड फिगर हमेशा एक रेजिस्टेंस का काम करता है. 21,000 पे है तो 21,000 से थोड़ा रिएक्ट करके समझो 20,800-700 आ सकता है, एंड दैट विल बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ये 70 RSI, 73 RSI, 84 RSI. अभी यहाँ पे हम ये बुलिश है. सी दिस इज वेयर आई वाज टॉकिंग अबाउट, दिस इज नॉट अ बाय, दिस इज बुलिश. अब ये बुलिश से बाय कब होगा? जब ये थोड़ा नीचे आएगा और 60 पे सपोर्ट लेगा, तो ये एडवांस GFS हो जाएगा, तब हम बाय करेंगे. सो दिस गोज इन टू बुलिश. बैंक निफ्टी 66 RSI, 68 RSI, 78 RSI, ऑल टाइम हाई. और सबसे बेस्ट हमारा टॉप बॉटम ट्रेड, ट्रेड एंड मी स्टूडेंट्स, इफ यू आर वर्किंग ऑन दिस, इट्स गोइंग अराउंड 3,000 to 4,000 पॉइंट्स. आई थिंक ऑलमोस्ट, आई गेस 4,000 पॉइंट्स इन द मनी. राइट, एंड सून 12.6 बैच आपके लिए अगले वीक से ट्रेड स्टॉक्स भी एड होने वाले हैं टॉप बॉटम में. सो एंड वी आर गोइंग टू मेक अ स्पेशल सेशन फॉर टॉप बॉटम, सो दैट आपको पता चले कि कैसे हैंडल करना है, पिरामिड करना है नहीं करना है, वो सारी बातें करेंगे. देन USD INR, वो भी ऊपर के लेवल पे चल रहा है. अभी पहले क्या होता था, डॉलर ऊपर जाएगा तो इंडियन मार्केट नीचे आएगा, अभी एकदम हाई पे चल रहा है, बट वो रेजिस्टेंस है 83.5 का, क्रॉस नहीं कर रहा है, तो दैट्स ओके. सो वो भी ठीक है, थोड़ा सा ग्रीड साइड पे है. अब वो एक्सट्रीम ग्रीड पे आएगा तब हमको टेंशन का बात है, अभी तो ठीक ठाक चल रहा है. मुझे लगता नहीं है, ये तो कोई वेबसाइट से लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है इतना भी ग्रीड है. लोग अभी भी थोड़ा बहुत डर रहे कि अरे तो अभी तो गैप अप हो गया, अभी बढ़ गया. सो आई डोंट थिंक दैट्स नॉट अ स्टिल दैट्स अ प्रॉब्लम राइट नाउ. फ्यूचर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लियरली बुलिश, नीचे अबाव मूविंग एवरेज. देखो यहाँ पे ये सारे वेबसाइट्स पे अवेलेबल है कि कितने स्टॉक्स 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, कितने स्टॉक्स नीचे है. तो लास्ट नवंबर के बाद देखोगे, जब दिसंबर अभी तक ये ज्यादातर स्टॉक्स 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है. न्यू हाइज बन रहे हैं ज्यादा, और उसमें भी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप. तो आप देखोगे कि लार्ज कैप स्टॉक्स नए हाई बना रहे हैं, ये अच्छी साइन है. मार्केट का जब अंत आ जाता है ना, फॉल होने का, क्रैश होने का, तब स्मॉल कैप नए हाई बनाते हैं. ये मैंने 2008 के रिपोर्ट में लिखा था, उसके बाद वो क्रैश हुआ था.
यही साइन अभी अभी तक वो साइन आई नहीं, अभी तो ब्लू चिप्स नए हाई बना रहे हैं, which is a very good sign. Then mid caps will make a high, then small caps will make a high. That means this bull market or this bull run can continue for some months maybe. Let's see till election. Now sector, अभी हम aerial view पे आते हैं. Aerial में सबसे पहले निफ्टी ऑटो सेक्टर, तीनों RSI 60, ये बुलिश है. ये बुलिश है मतलब ऑटो के सेक्टर में जो भी बाय बनेगा वो हम बाय करेंगे, ये बुलिश सेक्टर में जाए. फार्मा भी बुलिश है, FMCG परफेक्ट GFS एडवांस GFS पे आया है, 60 पे सपोर्ट. रियलिटी सुपर बुलिश. अब डर क्या लगता है, ये तो बहुत बढ़ गया, ये वाला डर निकाल ही दो आप. मतलब आप REC PFC को देखो, बहुत बढ़ गया. अरे ट्रिपल होने को आया, 150 में लिया था, 400 के ऊपर चल रहा है. सो डोंट थिंक, आपको अपना वन कोच वन अप्रोच राइट, ये अगर आपको सीखना है बराबर से, क्योंकि अगर 10 जन को सुनेंगे वो बोलेगा अरे बहुत बढ़िया नीचे आने 10% का करेक्शन होने वाला है, हो भी सकता है, बट सुनना एक ही को है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ. निफ्टी इंफ्रा 60 60 60, इंफ्रा सेक्टर सुपर बुलिश, एनर्जी सेक्टर सुपर बुलिश, IT सेक्टर ठीक ठाक है क्योंकि अभी वो निकल रहा है बाहर, ठीक है. मेटल ठीक ठाक है, निकल रहा है बाहर रेजिस्टेंस के बाहर, अच्छा हो गया अभी पहले से. मीडिया अवॉइड, ये अभी भी रेजिस्टेंस पे, इसको छोड़ दो. PSU बैंक्स बुलिश, PSC सुपर बुलिश, पब्लिक सेक्टर, सो ये सारे मोस्टली सारे सेक्टर बुलिश है. अब उसमें से प्राइमरी सेक्टर क्या है, प्राइमरी मतलब हर एक कंट्री में बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर हमेशा बहुत बुलिश होता है, ठीक है, वो बहुत बुलिश सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बैंकिंग जो हमारी मनी सिस्टम है, पैसा कहां से ऊपर नीचे होता है, बैंक से होता है, बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर से. अगर वो सेक्टर बुलिश है मतलब कंट्री की इकोनॉमी अच्छी चल रही है. आपने कभी कभी बहुत बार देखा कि सारे सेक्टर चल रहे थे लेकिन बैंकिंग नहीं चल रहा था, वो एक सबसे बड़ा सिग्नल था कि ये गिरेगा, क्योंकि किधर तो किधर कुछ घोटाला आ रहा है, हुआ. अब बैंकिंग सही चल रहा है तो सब सही चल रहा है, फिर आपको कोई टेंशन नहीं है. सो हमेशा स्कैम होगा, घोटाला होगा, गड़बड़ होगा, डेट होगा, बैंकिंग वाले प्रॉब्लम में आएंगे या फाइनेंस सेक्टर, तब आपको सिग्नल मिल जाएगा. वहां पे आपने नॉर्मल डाइवर्जेंस सीखा होगा, कभी कभी निफ्टी और बैंक निफ्टी के बीच में डाइवर्जेंस होता है, मतलब निफ्टी नया हाई बना रहा है, बैंक निफ्टी नहीं बना रहा है. ये एक्चुअली था लास्ट मंथ तक, निफ्टी ने हाई बनाया लेकिन बैंक निफ्टी ने नहीं बनाया, लेकिन अभी लास्ट कुछ दिनों में अभी दोनों एट पार आ गए, दोनों ने नया हाई बनाया, दोनों ऊपर जा रहे हैं, सो अभी कोई टेंशन नहीं है. सो नाउ यू लुक एट दिस न्यू हाइज, All three above 60, no problem, all good, top bottom, doing fantastic. Pin Nifty भी अलग नया इंडो, नया नया टूल निकालते जाते हैं, जैसे जितना ट्रेड करना है करो. So this is also above 60. Now, private sector banks में ICICI is the best. Federal Bank, perfect GFS, advanced GFS, 60, 60, 60. Right, ये perfect advanced GFS पे है. Axis Bank, all, ये bullish में जाएगा, मतलब ये मैं buy, see, now I tell you what is the difference. Federal Bank, is goes in the buy list. Why? Because ये हम तुरंत मंडे को buy कर सकते हैं. और Axis Bank goes in the bullish list. मतलब ये मंडे को buy नहीं कर सकते, लेकिन जब 60 पे आएगा, समझो मंडे को या ट्यूजडे को या वेनसडे को आएगा, तो इसको bullish buy में list में डालेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. तो buy list, bullish list दोनों होता है. मतलब एक buy करने जैसा है, एक बहुत bullish है, buy करने जैसा नहीं है. जब थोड़ा सा react करेगा तो buy करेंगे, signal मिलेगा तो buy करेंगे. That's the difference between buy list and bullish list. राइट, नेक्स्ट कैनरा बैंक, ये बुलिश है, बहुत सही है, लेकिन चांस मिलना चाहिए, थोड़ा नीचे आएगा तो बाय करेंगे. बैंक ऑफ बड़ौदा बुलिश, राइट, ये PNB, वी हैव टू वेट फॉर द सिग्नल, राइट, बुलिश. IDFC, आई वुड अवॉइड दिस. वो CIP पे एक्चुअली बाय बनता है, बट थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, नहीं कैंडल्स बराबर नहीं है, थोड़ा आप ये चीज आज का गोल्डन मंथ, एक इंच का भी डाउट होगा ना, थोड़ा सा भी ऐसा लगता है करूं नहीं करूं, छोड़ देने का. जिधर एकदम कॉन्फिडेंस दिखे ना, जैसे चार्ट अंदर से बाहर आके बोलेगा कि भाई मेरे को खरीदो, उतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा तब करना है, नहीं तो नहीं करना. लेस इज मोर, हाफ हार्टेड ट्रेड कभी नहीं करना. करता हूं, करके देखता हूं, थोड़ा सिग्नल है, दो लॉट लेता हूं, चार के जगह, ऐसा काम ही नहीं करना. जिधर लेने का है फुल कॉन्फिडेंस के साथ लेने का, ऐसा नहीं कि हर बार वो भी चलेगा, बट यू शुड हैव कॉन्फिडेंस कि ये परफेक्ट ट्रेड कर रहा हूँ इसी. और ये अगर आप जब एनालाइज करोगे, ये पूरी तरह से मैं कॉन्फिडेंट हूँ, सारे चेकलिस्ट हो चुके हैं, तो आपके आधे ट्रेड्स तो ऐसे ही कम हो जाएंगे. सो दैट इज वेयर लेस इज मोर. REC, ये एकदम सुपर बुलिश है, बट वी कांट बाय राइट नाउ. अगर आप टॉप बॉटम पे कर रहे हो तो कंटिन्यू विद दैट.
टॉप बॉटम सुपर ट्रेड, अनबिलीवेबल ट्रेड, राइट। ये हमारे 2023 का मतलब REC और PFC के नाम का एक बोर्ड लगाना पड़ेगा, 2023 गेम चेंजर। और हर साल में ऐसे गेम चेंजर आते हैं, 2024 में कौन सा आएगा देखते हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहोगे और आई होप ऑल ऑफ यू आर टेडनी स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ यू आर देयर, सो वी आर गोइंग टू बी विद टुगेदर फॉर द नेक्स्ट वन ईयर, सो डोंट वरी। PFC REC दोनों बुलिश बट नॉट अ बाय। नाउ M&M फाइनेंस साइडवेज है, ये एक्चुअली यहाँ पे क्यों डाल रहे ना, डेली पे स्क्वीज है, या दैट्स द वन थिंग। ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए ठीक है, ये बड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। बजाज फाइनेंस सुपर बुलिश, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो सकता है, एक्चुअली ये बाय में जा सकता है। देखो वो छोटे छोटे कैंडल्स जो है ना 5-6, उसको क्रॉस करेगा तो इट विल बिकम अ मोमेंटम ट्रेड, सो इट गोज इनटू द बाय लिस्ट इफ द ब्रेकआउट हैपेंस। सेकेंडरी सेक्टर मतलब अभी बाकी के सेक्टर्स को देखेंगे, इंफ्रा सेक्टर सुपर बुलिश, उसमें ABB बुलिश, सी सीमेंट, ये देखो 60-60-60 ये बाय लिस्ट में जा सकता है अगर यहाँ से टर्न मारेगा। एक तो ब्रेकआउट है, एक तो 60-60-60 है, एडवांस GFS है, सीमेंट सेक्टर अच्छा कर रहा है, अभी देखेंगे हम श्री सीमेंट, ACC ब्रेकआउट पोटेंशियल बाय, अंबुजा सीमेंट पोटेंशियल बाय, रैमको सीमेंट 60-60-60 एडवांस GFS, JK सीमेंट बुलिश, ये बाय नहीं कर सकते क्योंकि चल चुका है, PI इंडस्ट्रीज पोटेंशियल ब्रेकआउट, विल वेट फॉर द ब्रेकआउट, सो ये बाय में जा सकता है बाय इफ द ब्रेकआउट हैपेंस। भारत फोर्ज ऑल थ्री अबाउट 60, इंडिया सीमेंट ये परफेक्ट ब्रेकआउट, बहुत बड़ा अच्छा ब्रेकआउट है, ये टॉप प्रायोरिटी में जा सकता है कि जब भी इसमें सिग्नल मिल सके। तो अगर आपने देखा कि सारे सीमेंट्स ऊपर जा रहे हैं, इंडिया सीमेंट, देन PI, देन JK, देन रैमको, देन अंबुजा, देन ACC, देन श्री सीमेंट, अब इसमें से बेस्ट कौन सा दिख रहा है? एक जो बाय में जा रहा है वो श्री है क्योंकि वो 60-60-60 पे है, दूसरा इसका मंथली 60 पे नहीं है, इसको डिस्क्वालीफाई करते हैं। अंबुजा सीमेंट थोड़ा और नीचे आए एक दो दिन तो बाय कर सकते हैं, देन विल बिकम अ चेंज इन पोलैरिटी एंड 60-60 सपोर्ट। रैमको सीमेंट ब्रेकआउट के बाद ही बाय करेंगे, JK सीमेंट चल गया इसको हाथ नहीं लगा सकते, PI इंडस्ट्रीज है ये, दिस कुड बी बाय, सो श्री और PI इंडस्ट्रीज गोज इनटू बाय अगर वो कंफर्म करेगा तो। भारत फोर्ज अवॉइड, बुलिश में जाएगा, इंडिया सीमेंट विल वेट फॉर द डिप, सो दैट्स हाउ यू थिंक। अच्छा लग रहा है लेकिन अब चल गया ना तो अभी वेट करना पड़ेगा ना, लेस पेशेंस इज द की। राइट, NTPC बुलिश, कॉनकॉर बुलिश में है लेकिन बाय में नहीं है, टाटा पावर दिस वॉज द बेस्ट ट्रेड, सम ऑफ आर स्टूडेंट्स डिड, सम ऑफ टीम मेंबर्स ऑल्सो डिड, ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, अभी एक बार ब्रेकआउट हो गया ना तो ये मेरे रेडार पे रहेगा, अभी वापस जब नीचे आएगा तब इसको पकड़ेंगे, कोई भी स्टॉक भाग के नहीं जाएगा, आपको मौका देगा 100% देगा। राइट, गेल ये ब्रेकआउट मंथली पे है लेकिन डेली पे अभी तक वेट करना पड़ेगा। नाउ लुक एट फार्मा स्टॉक्स, फार्मा में भी मोमेंटम आ चुका है, सेक्टर बुलिश है, अब उसमें एल्केम, ये हमने मुहूर्त स्पेशल में दिया था और वहां से काफी डिसेंट परफॉर्म कर रहा है, सो बुलिश है बट वी कांट बाय, थोड़ा नीचे आएगा तो 60-60-60 हो जाएगा, विच इज एडवांस GFS। ना कुछ लोग GFS एडवांस GFS शायद नहीं समझ रहे हो तो आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे, वन कोच वन अप्रोच, GFS पे ऊपर बहुत सारे वीडियोस फ्री प्लेटफॉर्म पे भी है, यूट्यूब पे भी है। सन फार्मा दिस इज अ गुड नया कब ब्रेकआउट है, सो अगर थोड़ा सा एक दो दिन नीचे आता है तो परफेक्ट वो गैप पे या 60 सपोर्ट पे बाय कर सकते हैं। Zydus ये 60-60-60 है और बट वो एक रेड कैंडल इतना बड़ा है और वॉल्यूम भी बड़ा है, सो डिस्क्वालीफाई, थोड़ा सा भी डाउट है डिस्क्वालीफाई। ऑरोफार्म, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, व्हाई 60-60-60 प्लस मूविंग एवरेज सपोर्ट प्लस फार्मा इज गुड, अगर यहां से बुलिश कैंडल होगा तो मंडे को वी कैन टेक अ बाय, विच इज देन दिस बिकम्स अ बाय लिस्ट में जाएगा। IT सेक्टर, हम IT को अवॉइड करेंगे क्योंकि अभी अभी ब्रेकआउट हो रहा है, फिर भी देख लेते हैं। विप्रो एक वैल्यू बाय के हिसाब से ठीक है, वैल्यू बाय मतलब क्या, लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि वो सपोर्ट पे है, जो हमने बहुत बार पहले भी बात की, 6 महीने से सपोर्ट पे, तो यहाँ पे फ्यूचर में नहीं कैश में करना चाहिए क्योंकि वो वैल्यू बाय में जा रहा है। LTTS, ना ये एक स्टॉक है जो काफी अच्छा चल रहा है, ब्रेकआउट पे है, जो देखो 60 पे सपोर्ट लेके बाय ऊपर जा रहा है, तो वापस 60 पे आएगा तो दिस कैन बी अ गुड ट्रेड। LTIL ये अच्छा है, क्यों, ये बाय में जा सकता है, क्यों, क्योंकि ये तीनों 60 के ऊपर है, जस्ट पहला बुलिश कैंडल बना है तो ये मेरे लिए अच्छा, ये बाय लिस्ट में जा सकता है। सी हाउ आई एम डिफरेंशिएटिंग बिटवीन बुलिश एंड बाय। इंटेलेक्ट, ये भी वी कैन पुट इनटू अ बाय बिकॉज जस्ट नियर टू 66 है, और एक आध कैंडल नीचे आ जाए तो और भी अच्छा हो जाए। इंडिया मार्ट अवॉइड,
ये वैल्यू बाय में ठीक है, देखो ये इसका ये मैंने क्यों रखा है, ये परफेक्ट सीआईपी पे है, चेंज इन पोलैरिटी वीकली चार्ट पे। ये वैल्यू बाय में मतलब कैश में खरीदो, अगर फ्यूचर खरीदोगे तो शायद वेट करना पड़े, स्लो चलेगा क्योंकि ये कॉन्ट्रा ट्रेड जैसा है, कॉन्ट्रा मतलब जो डाउन ट्रेंड में उसको खरीदे, तो वैल्यू बाय के हिसाब से ठीक है। एचसीएल टेक परफेक्ट बुलिश है, नॉट टू बाय राइट नाउ, ये भी बुलिश है, वेट फॉर द बाय। भारतीय एयरटेल दिस इज बाय, व्हाई 60 60 60, एडवांस जीएफएस, अगर आप ध्यान से देखोगे, आपने मेरे आरएसआई के सारे वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, तो इसमें परफेक्ट पीआरडी भी है, पॉजिटिव रिवर्स डाइवर्जेंस ऑन डेली चार्ट, राइट, सो दिस बिकम्स अ वेरी लो रिस्क बाय, सो दिस गोज ऑन माय टॉप ऑफ माय बाय लिस्ट, अगर आप ये स्टॉक देखते हो। डिक्सन विल हैव टू वेट, ये बुल फ्लैग है, यहाँ पे देखो बुल फ्लैग डेली चार्ट पे, एक फ्लैग करके पैटर्न है, और आपको पता नहीं है फ्लैग क्या है तो राइट डाउन अगेन ट्यूजडे टेक्निकल टॉक फ्लैग, आपको मिल जाएगा कि फ्लैग क्या होता है, मैंने उसके पे वीडियो बनाया है यूट्यूब पे। देन नाउ लेट्स लुक एट द कप स्टॉक्स, कप स्टॉक्स में हमारे पास है ये वाला पूर्वा कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मतलब रियल एस्टेट, मतलब सेक्टर सही है, ब्रेकआउट होगा 182 जो उसका रेजोल्यूशन पॉइंट है, मतलब 190 के ऊपर जाएगा तो वी कैन टेक कैश। आशापुर पूरा माइंस, स्पेशलिटी माइनिंग एंड मेटल्स, मेटल्स भी ठीक ठाक हो चुका है और बहुत बड़ा कप है 2008 से लेकर, कप का डेप्थ देखो कितना है, अनबिलीवेबल, सो दिस इज लाइक गुड, बट विल वेट के थोड़ा और कंफर्म हो जाए ये दिसंबर तो भी चलेगा। रिमेंबर कप में है ना, जितना महंगा खरीदोगे, जितना ऊपर जाने के बाद खरीदोगे उतना अच्छा है, डोंट ट्राई टू बार्गेन देयर। एनसीसी कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सेक्टर तो बुलिश है, देखो कैसे परफेक्ट ऊपर जाके सीआईपी किया उसने, चेंज इन पोलैरिटी, वो सही पॉइंट था बाय करने का, अभी भी कर सकते हैं बट विद थोड़ा रिस्क बढ़ जाएगा स्टॉप लॉस। आईवीपी कमोडिटीज केमिकल्स, अब केमिकल्स में हमको करना है, ये 5 साल का कप है, सेक्टर भी इतना खास नहीं है तो ठीक है, इसको अवॉइड कर सकते हैं। सी आपको सी स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है कि जहां पे कितना भी पैसा होगा कम पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे अपॉर्चुनिटीज, इतने सारे चार्ज, इतने सारे स्टॉक्स है, तो हमको अपने को थोड़ा नैरो डाउन करके फिल्टर करके कम पे लेके जाना है, हमको सब नहीं करना है, लेस इज मोर and go deep not broad। NBCC construction perfect, 5 साल का कप है, अब ये ऑल टाइम हाई नहीं है बट अच्छा ब्रेकआउट है, वॉल्यूम के साथ है, कैन बी ट्रेडेड। RCF विल हैव टू वेट, केमिकल एंड फर्टिलाइजर, राइट। लोकेश मशीनरी, ये तो हमने पहले भी बात की थी, ऑलरेडी चल रहा है ठीक ठाक, नो प्रॉब्लम। प्रिज्म जॉनसन, ये भी हमने लास्ट टाइम देखा था, यहाँ से काफी बढ़िया है। एंड ओरिएंटल सीमेंट, राइट, सो दिस इज सीमेंट में है, आई होप या सीमेंट में, और सीमेंट सेक्टर अभी चल रहा है परफेक्ट, सीआईबी पे आया है तो लोअर टाइम फ्रेम में चार्ट में जाके चेक कर लो कि कैसे, देखो दिसंबर में ये रेड कैंडल बना रहा है लेकिन वॉल्यूम कितना कम है, मतलब ये सेलिंग नहीं हो रहा, सी प्राइस एंड वॉल्यूम, राइट। अभी अभी हमने मनी चैलेंज में बहुत डिटेल में सीखा कि वॉल्यूम और प्राइस कैसे कनेक्टेड है, और दोनों को अगर अच्छे से समझ लो तो हमको और कोई इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं है। सो दिस इज वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये वाला जो वॉल्यूम ये इंटरेस्टिंग है, अगर यहाँ से टर्न मारता है और डेली चार्ट में जाके शायद 40 पे सपोर्ट हो या 60 पे सपोर्ट हो या कोई साइन मिले तो मैं इसको एंटर कर सकता हूँ, राइट। सो दिस इज व्हाट मास्टरमाइंड इज ऑल अबाउट एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी यू ऑल वेरी सून इन द अनलॉक द मनी सीक्रेट्स। अगर आप ट्रेड एंड मी स्टूडेंट हो या 6FTC 6 फिगर ट्रेडर कोचिंग प्रोग्राम में हो तो मेक श्योर यू बुक योर टिकट सून बिकॉज द सीट्स आर फिलिंग अप, अब कुछ 300-400 टिकट्स बाकी है भरने को, और बाहर वाले मतलब हमारे फॉलोअर्स फैंस सबके लिए है ये, सो यू मेक श्योर, और 15-12 दिन ही बचे हैं, सो मेक श्योर यू बुक योर टिकट, गो टू utms.live एंड बुक योर टिकट, और आपके मेंबरशिप साइट में भी अपग्रेड का ऑप्शन होगा बिकॉज इफ यू आर अ स्टूडेंट यू हैव अ स्पेशल ऑफर समथिंग लाइक गोइंग ऑन, सो कीप दैट इन माइंड। एंड कुछ कुछ दिनों से हमारे मेंबरशिप साइट डाउन थे तो हम लोग उसको रिन्यू कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, सो हैव पेशेंस, मोस्टली सारी चीजें ठिकाने पे आ चुकी है धीरे धीरे करके, क्योंकि हमको पूरा एक नया मेंबरशिप साइट बनाना पड़ा क्योंकि पूरा क्रैश हो गया और सारे वीडियोस को फिर से लगाना है, तो धीरे धीरे करके लग रहा है, बट आई थिंक मनी चैलेंज का हो चुका है, 6 फिगर का हो चुका है, ट्रेड एंड मी का हो रहा है, 10x का भी हो रहा है और सब हो जाएगा, डोंट वरी। इफ यू आर अ स्टूडेंट एंड वॉचिंग दिस और मेंबरशिप साइट अगर एक्सेस नहीं है, जस्ट हैव मोर सम मोर पेशेंस एंड वी आर वर्किंग ऑन डे नाइट, वी आर वर्किंग टू पुट बिकॉज देर आर लाइक 200 videos in Trade and Me website, और वो सारे videos को निकाल के फिर से अपलोड करना, it takes some time, right? But we are working tirelessly for that, so don't worry.
मीनवाइल ये वीडियो ये हफ्ते के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये देख के आपको पूरा व्यू समझ में आ गया कि अभी अगले हफ्ते क्या करना है। आपका बाय लिस्ट और बुलिश लिस्ट बन चुका है, सेक्टर पता है आपको क्या करना है, और बाकी जो हमने यहाँ पे रियल्टी स्टॉक्स के बारे में बात नहीं की, डीएलएफ, ओबेरॉय रियल्टी, डीबी रियल्टी, लोढ़ा, ऑल दिस आर ग्रेट। जब भी उस पे मौका मिले वी कैन एंटर, राइट? सो आई होप यू एंजॉयड दिस मास्टरमाइंड टॉप डाउन अप्रोच, और अगर आप कोई फ्री प्लेटफॉर्म पे इसको देख रहे हो तो मेक श्योर यू कमेंट एंड लेट अस नो। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग। सो देखा आपने कि कितना सिंपल प्रोसेस है, भले एक पहली बार देखा तो शायद कॉम्प्लिकेटेड भी लगा या कंफ्यूज भी हुआ, लेकिन धीरे धीरे करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपको किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं कि कौन सा स्टॉक लूँ, क्या करूँ, कौन सा सेक्टर में निवेश करूँ, ऑल दैट इज सॉर्टेड। नाउ आई एम इन्वाइटिंग, जैसे मैंने बताया कि मेगा मास्टर माइंड 15th of December, प्रो ट्रेडर ब्लू प्रिंट एंड 7-स्टार स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, एक एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग मैं करने वाला हूँ 1 से 1.5-2 घंटे का, वो आपको मिलेगा अगर आपने UTMS अनलॉक द मनी सीक्रेट्स जो 2 दिन का लाइव इवेंट हो रहा है मुंबई में सहारा स्टार, 1500 से ज़्यादा लोग हैं और सुबह 9 से लेकर शाम को 6 बजे तक मैं और मेघना आपके साथ रहेंगे। सो मेक श्योर यू बुक योर जनरल टिकट और द VIP टिकट। अगर जनरल करते हो तो सारी चीज़ें उसमें लिखी है कि क्या क्या है, और VIP करते हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं और उसके साथ एक मनी चैलेंज भी है जो जनवरी में होने वाला है। सो यू कैन बुक एनी टिकट, जनरल और VIP, खाली आप आओ और एक्सपीरियंस करो, और उसके साथ साथ ये बोनस ट्रेनिंग जो मैंने बताई 15 तारीख की वो आपको मिलेगी। सो मेक श्योर यू बुक योर टिकट राइट नाउ एट UTMS.live। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।